लगता है इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें। यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। एक टूटी साइकिल पर हवाओं को चीरता एक लड़का याद आता है। हमारा वंश मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के खुदागंज कस्बे का निवासी था। मेरे बाबा का नाम एवज राय था, एक धनी दबंग जमींदार। पिता सामंती परंपरा के विद्रोही थे, रुड़की में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बर्मा में जंगलात के ठेके के फर्म में ओवरसीयरी करते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन का जोर था, नौकरी छोड़ दी। व्यापार में नाकामयाब होकर इलाहाबाद आवसे। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1926 को इसी अतरसैया मोहल्ले के मकान में हुआ। पिता चिरंजीलाल वर्मा और माँ चंदा देवी। मैंने होश संभाला अतरसैया की गली और माँ बाप के आर्य समाजी वातावरण में। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, रक्त बंडला, चांद का फांसी अंक, पंडित सुंदरलाल का भारत में अंग्रेजी राज, महात्मा गांधी की आत्मकथा, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की जीवनियां। दूसरे महायुद्ध की शुरुआत के समय शरीर और मन से टूट चुके पिता चल बसे। तब मैं 13 वर्ष का था, 8वें या 9वें दर्जे में। माँ छोटी बहन को लेकर नौकरी करने गुरुकुल चली गई। ऐसे में मामा और मामी ने संरक्षण और स्नेह दिया। मैं 19 साल का बहादुर कोलंबस नीलिमा का ज्ञात समुद्र में अपना छोटा सा जहाज लेकर निकल पड़ा था। मेरे व्यक्तित्व में सभी जहाजियों के अंश थे, यूलिसिस भी, सिंधबाद भी, कोलंबस भी और थोड़ा थोड़ा वो इकारस भी। जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी, कुछ वजीफों के सहारे, कुछ ट्यूशनों के सहारे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेखक बनूंगा या लिखूंगा। मुझे दिलचस्पी थी पढ़ने में, अधिक से अधिक कोर्स के बाहर की चीजें। हरिभवन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और अल्फ्रेड पार्क की पब्लिक लाइब्रेरी, कुप्रिन, शरद चंद्र, डिकेंस, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, विक्टर ह्यूगो के इंच बैक ऑफ द नस्टर्डम, टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस, दोस्तोयेवस्की के विभिन्न उपन्यास। इन रचनाओं से करुणा, समझदारी, दूसरे के प्रति संवेदना, अपने को दे देने की शक्ति और किसी सही बिंदु पर जमकर खड़े हो जाने का साहस जो मुझे मिला, वह मेरी वैयक्तिक संपत्ति बन गई। बीए का छात्र था। इलाहाबाद का वातावरण बहुत साहित्यिक था। एक अजीब सी बात लगती थी कि लेखक लोग जो लिखते हैं उससे उनका जीवन अलग होता है। लिखते समय तो बड़ी बातें लिखेंगे, लेकिन जीवन में छोटी छोटी चीजों पर उत्तेजित हो जाएंगे। मेरा सपना लेखक होने का नहीं, नेवी का कैडेट होने का था। समुद्र मुझे बहुत मोहित करता था, अनंत समुद्र, चारों जल ही जल और ऊपर आकाश ही आकाश। उसमें अपने जहाज में जाते हुए पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, जलपरियां, तूफान, झंझावात या विचित्र समुद्री जीव। बीए की पढ़ाई ट्यूशनों के सहारे चली। उन दिनों साप्ताहिक अभ्युदय निकलता था, 100 रुपए महीने में उप संपादक का काम किया। उत्तर छायावादी कवि नरेंद्र शर्मा, अंचल, नेपाली और बच्चन जी की सहज भाषा आकर्षित करती थी। दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद की रचनाएं और ऑस्कर वाइल्ड का असर। इसी समय मुर्दों का गांव तथा पृथ्वी और स्वर्ग कहानी संग्रह छपे। पांडुलिपि के बदले किताब महल से मिले 200 रुपए से एमएम एडमिशन लिया। माखनलाल चतुर्वेदी उन दिनों खंडवा से इलाहाबाद आते रहते थे। दादा से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। बीए फाइनल में हिंदी में सर्वोच्च अंक आने पर चिंतामणि घोष मेडल मिला और आधी फीस माफ। अब सहपाठी थे विशर नारायण टंडन, जगदीश गुप्त और गिरधर गोपाल, और एक दर्जा पीछे विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बनने लगी एक मित्र मंडली। हमारा गिरोह हिंदी उर्दू विभाग के लंबे बारामदे की सीढ़ियों पर
या उसके सामने के लॉन पर इकट्ठा होता था, या जब फुर्सत अधिक होती और कविता पढ़ने सुनने का मूड बनता तो पुराने कुएं के पास अड्डा जमता। इसी मंडली में आज उड़े महेंद्र प्रताप, कभी कभी लक्ष्मीकांत वर्मा और केशव चंद्र वर्मा। उभरने लगा परिमल का अस्तित्व। घंटी उनकी बजती थी तो मेरी माँ ही हमेशा कहती थी, जाओ आए गए आए गए। जब हुए इकट्ठा कोई ऐसी ठट्ठा, नहीं तो परिमल में लठम लट्ठा। चलो 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 केशव, बहुत जरूरी है। हमने कहा क्या बात है? क्या चलो तो यार, वहां सब लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा और वहां पर रिहर्सल चल रहा है। परिमल एक तरह से प्रगतिशील लेखक संघ के विरुद्ध एक मोर्चे के रूप में गठित हुआ, अपनी भूमिका भी अदा करने लगा और भारतीय उसके नेता थे। सच पूछिए तो परिमल का नेतृत्व संभालने वाले संगठन की दृष्टि से, सृजन की दृष्टि से भारतीय थे। उसको बौद्धिक आधार बाद में विजय देवनारायण शाही ने दिया। ये संघर्षों और स्वप्नों के दिन थे। युवा भारती ने इलाचंद्र जोशी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका संगम में काम किया। हिंदुस्तानी अकादमी में एक वर्ष तक उप सचिव रहे और फिर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। एक ओर युवा मन का रोमांच, दूसरी ओर यथार्थ का दबाव। ठंडा लोहा की कविताओं और चांद और टूटे हुए लोग की कहानियों में ये विरोधाभास स्पष्ट है। परिमल में पहली बार मार्च 1945 में उन्होंने कविताएं सुनाई। तुम चली प्राण जैसे धरती पर लहराए बादल, और ये पान फूल सा मृदुल बदन। इन्हीं दिनों ठंडा लोहा, सुभाष की मृत्यु पर और निराला के प्रति जैसी कविताएं भी सामने आई। कई युगों के बाद आज फिर कवि ने मेघों को अपना संदेश दिया था, लेकिन किसी यक्ष विरही का यह करुणा संदेश नहीं था। युग बदला था और आज नव मेघ दूत को युग परिवर्तक कवि ने विप्लव का गुरुतर आदेश दिया था। युग परिवर्तन और विप्लव की यही आकांक्षा उन्हें मार्क्सवाद के निकट लाई और वे प्रगतिशील लेखक संघ में सक्रिय हुए। लेकिन उनकी वैचारिक स्वतंत्रता किसी भी शिविर बंदी को स्वीकार नहीं कर पाई। आजादी के बाद हमारी पीढ़ी जो उभर करके आई, उसमें अगर ध्यान दें तो ये वो लोग थे जिनकी उम्र उस समय 21-22 साल की रही होगी। विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, ये तीन इलाहाबाद के। इसके बाद कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, रघुवीर, ये इन लेखकों की पीढ़ी जो आई वो आज़ादी के पहले भी एक कदम उनका था और मोटे तौर से वे समाजवादी विचारों के थे। 50 के दशक के आरंभिक 5 वर्षों का वो प्रतिभा का एक चमत्कार है। उस समय जो भारती ने लिखा है, न मोहन राकेश ने उस दौर में ऐसा कुछ लिखा, न निर्मल वर्मा ने लिखा, न रघुवीर सहाय ने लिखा, न कुंवर नारायण ने लिखा और न विजय देवनारायण शाही ने लिखा। 50 से लेकर के 55 तक उस दौर में हमारी पीढ़ी के लोगों में प्रतिभा का ऐसा विस्फोट और ऐसा चमत्कार संभव हो सका, इसका श्रेय तो हम भारती को ही देते हैं। भारती जी की कवि प्रतिभा को अज्ञेय जी ने भी स्वीकारा और दूसरा सप्तक तथा प्रतीक में उनकी कविताएं प्रकाशित की। प्रगतिवाद एक समीक्षा अगर युवा भारती का बौद्धिक प्रत्युत्तर है तो सूरज का सातवां घोड़ा इस मोहभंग का महत्वपूर्ण रचनात्मक प्रमाण। उपन्यास के नायक माणिक मुल्ला के माध्यम से मध्य वर्ग की जिस भ्रांति और यथार्थ को उन्होंने बहुस्तरीय आख्यान में व्यक्त किया, उसने इस उपन्यास को अभूतपूर्व प्रतिष्ठा दी।
श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकार ने सूरज का सातवां घोड़ा पर सराहनीय फिल्म बनाई। There were several things that were unique about the novel, also for the cinema. The most important thing to me was the fact that here was a writer, Dharamveer Bharati, who one might consider as one of the generation of modernists, you know, among Hindi writers, who wrote a novel on multiple levels. There was, of course, there were many things. This novel was written in the 1950s, which was a period of a great amount of intellectual ferment in India, because many kinds of ideologies were operating together at the time. It was soon after, a decade after independence. But more important to me was the fact that the novel represented a vanguard movement in terms of how novels were to be written, because its levels were very interesting. There were many things in the novel, particularly in the manner of which, in which the narrative itself had been worked out. Now, here is a writer who's coming to a point, a kind of watershed situation, in which many of the ideologies don't seem to hold. The central character who is telling us the story, Manik Mulla, is not only the protagonist, but in each story that he tells us, he is of a different age. In one story, he sees himself, his self-image is that of a prepubescent boy. In another, he is an adolescent. In the third, he is an adult. And this is an extraordinary kind of thing that Dharamveer Bharati did with this particular novel. And that to me was a very exciting prospect, because in cinema, this is very, very difficult to achieve. Suno Duryodhan, suno Drona, suno, main ye tumhara Ashwatthama, kayar Ashwatthama, shesh hua abhi tak, jaise rogi murdhe ke mukh mein shesh rehta hai, ganda kap, baasi dhook, shesh hua abhi tak, kyun? अंधा युग तो एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कंटेम्पररी क्लासिक, जो जीवन काल में ही क्लासिक हो जाए रचना, ऐसा बड़ा विरल होता है। जो रचना कठिन है, जीवन मूल्यों को लेकर चलने वाली है, घोषित रूप से जीवन मूल्यों को लेकर चलती है, मर्यादा और सत्य इन प्रश्नों को लेकर जो उठा रही है, वो रचना दृश्य काव्य के रूप में सफल हो, ये भी अपने में एक विलक्षण बात। धर्म जिधर होगा वो मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी ओर नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, अंध बर्बर पशु। अंधा युग नेहरू की मृत्यु के बाद 60 के दशक में हिंदुस्तान जो था, उस हिंदुस्तान में अंधा युग एक सभ्यता की समीक्षा बनकर के पेश हुआ। सन 50 का भारत अंधा युग नहीं था, वो भारत अंधा युग मालूम हुआ 64 के बाद। और यही वजह है कि अब्राहम अलकाजी ने उसको एक वो अर्थ दिया, उन संभावनाओं को तलाशा जो कि सन 50 में उसमें थे नहीं।
सन 50 में अंधा युग दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप की एक विनाश लीला की गाथा थी। सन 60 के बाद अंधा युग में यह अर्थ आया कि उसका यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ठेठ कहना चाहिए कि गांधी की मृत्यु के बाद का यह भारत है। इसलिए रचनाएं अर्थ, चूंकि अंधा युग में यह संभावना है कि हो सकता है अंधा युग में आज शताब्दी के अंत का भारत और शताब्दी के अंत का विश्व उसमें अर्थ पा सके। लेकिन जिस कृष्ण की बांसुरी भागवत के पन्नों पर रखी रहती थी, उस भागवत की राधा भी तो अंधा युग में आने से वंचित रह गई थी। 5 वर्ष बाद लिखी गई कनुप्रिया और महाभारत के कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूर वृंदावन में अकेली छूट गई राधा की वापसी हुई। कनुप्रिया और अंधा युग एक तरह के पूरक युग बन जाते हैं। एक में सार्वजनिक जीवन की समस्या है, मूल्यों के बिखराव का प्रश्न है, और दूसरे में उन सारी समस्याओं से जूझने के बाद एक सामान्य व्यक्ति की अपनी पीड़ा है। एक तरह से लगता है कि अंधा युग के बाद का जो एक खालीपन, भावात्मक खालीपन, उसको भरने की कोशिश लेखक ने कनुप्रिया की। कनुप्रिया जो एक तरह से बिल्कुल व्यक्तिगत निजी तौर का एक टेस्टामेंट है। एक और राधा का प्यार और कृष्ण, और दूसरे इतिहास पुरुष कृष्ण, इन दोनों के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। महाभारत के बावजूद भारती भागवत के कृष्ण से ज्यादा प्रभावित थे। देखने की चीज यह है कि कृष्ण के चरित्र के जो अनेक रंग हैं, वो नीत्से के महापुरुष हैं, वो ईसा मसीह हैं, वो भागवत के लीला पुरुषोत्तम हैं, वो गीता के दार्शनिक हैं, वो महाभारत के कूटनीतिज्ञ हैं, ये सारे रंग एक साथ समो लेना एक बहुत छोटी सी रचना में बड़ा कठिन काम है। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया, मुझी पर पगरख मेरी बाहों से इतिहास में ले गया। सुनो कनु, मैं क्या सिर्फ सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। और सन 1960 में डॉक्टर धर्मवीर भारती इलाहाबाद छोड़कर बंबई चले गए। चर्चगेट के एक छोटे से होटल के कमरे से जब उन्होंने सुबह बंबई का जन समूह देखा तो उनका इलाहाबादी मन घबरा उठा। टाइम्स ऑफ इंडिया की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के वे संपादक बने। उनकी प्रतिभा, लगन, परिश्रम और कल्पनाशीलता की वजह से धर्मयुग को अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली। लेकिन इलाहाबाद अब भी बार बार उन्हें पुकारता था। अब जीवन और रचनाशीलता का ये एक दूसरा नया अध्याय था। बंबई ने उन्हें अपना लिया। अब उनके सामने एक नए क्षितिज का विस्तार था। उन्होंने लिखा है, मन तो बहुत करता है बचपन के शहर में जाऊं, लेकिन इस जन्म में अगर कोई शहर मुझे चुनना हो तो कोई दूसरा शहर हो ही नहीं सकता बंबई के सिवा। जहां जड़ें गड़ गईं तो फिर गड़ गईं। जब भी हम लोग अपना शहर छोड़ते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है। तो भारती जी को भी जलावतनी का बहुत कष्ट था। भारती जी ने एक कविता लिखी थी, दीदी के धूल भरे पांव, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो कविता। तो दीदी के धूल भरे पांव पहली कविता थी जो भारती जी ने बंबई आने के बाद लिखी। सबसे पहले उन्हें अपनी दीदी के धूल भरे पांव याद आए। दीदी के धूल भरे पांव बरसों के बाद आज फिर यह मन लौटा है क्यों अपने गांव। अगहन की कोहरीली भोर, हाय कहीं अब तक क्यों दूख दूख जाती है मन की भकोर। 1 लाख मोती 2 लाख जवाहर वाला यह झिलमिल करता महानगर, होते ही शाम कहां जाने बुझ जाता है, उग आता है मन में
जाने कब का छूटा एक पुराना गमई का कच्चा घर, जब जीवन में केवल इतना ही सच था, कोका बेली की लड़, इमली की छाऊं, दीदी के धूल भरे पांव। बरसों के बाद आज फिर यह मन लौटा है क्यों अपने गांव। धर्मवीर भारती ने जब धर्मयुग शुरू लिया अपने हाथ में, तो ये बात अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, एक बहुत बड़े आदमी का नाम ले रहा हूं, मुझे दिनकर जी ने कहा कि धर्मयुग जैसी पत्रिका चलाने के लिए धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकार की बलि आवश्यक थी। भारती जी को जब मैं मिला तो वो हिंदी पत्रकारिता के बेताज बादशाह थे। धर्मयुग वो यूं चलाते थे जैसे कोई फनेटिक अपने धर्म को चलाता है। सच ये है कि भारती जी ने सबसे ज्यादा काम धर्मयुग के संपादक के तौर पे धर्मवीर भारती से लिया। आजादी के बाद का जो मोहभंग था, बंटवारा हुआ, गांधी जी की हत्या हुई, उस पूरे माहौल में अब वो गुनाहों का देवता नहीं चल सकता था। और भारती की वो जमीन है जिसे मैं कहना चाहता हूँ, अतरसुईया मोहल्ले का पुराना इलाहाबाद जिसमें गुल की बन्नो रहती है, भारती वहीं अतरसुईया में रहती थी। भारती अपने कमरे की जिंदगी से निकल करके धीरे धीरे अतरसुईया मोहल्ले की जो जमीन है उसकी तरफ उनकी नजर आई और वो जिंदगी की यथार्थ से टकराए। उस भावबोध में एक और सूरज के सातवें घोड़े का सपना और दूसरी ओर गुल की बन्नो, इसलिए वो मार्क्सवाद से अपने को अलग भी नहीं दिखाना चाहते थे। बार बार अपनी भूमिका कहते मार्क्सवाद से मेरा कोई विरोध नहीं, मुझे तो क्योंकि वो यथार्थ, मुझे तो जनता से प्यार है और जनता के यथार्थ से प्यार है, ये यथार्थवाद लेकर के चले भारती। अपने समय और यथार्थ से निरंतर अथक टकराहट की चेष्टा डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कभी नहीं छोड़ी। यदि मिथकीय रूपकात्मकता के द्वारा नैतिक मनुष्य की नियति का साक्षात्कार कराती प्रमृत्यु गाथा जैसी कविता उन्होंने लिखी, तो 1962 के चीनी आक्रमण के बाद उपजे नेहरू युग से मोहभंग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कविता पुराना किला भी उनके प्रोफेटिक अंतर्दृष्टि का दुर्लभ प्रमाण है। वर्तमान इतिहास और मिथ्या इतिहास की अंतर क्रियाओं का ऐसा विलक्षण रचनाकार गहरे आत्मसंघर्ष द्वारा कभी कभार ही संभव हो पाता है। मनुष्य की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट आस्था ने ही उन्हें वो निर्भयता दी जिसके चलते उन्होंने 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान अपने मित्र श्री विष्णुकांत शास्त्री के साथ युद्धग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मुक्ति वाहिनी के साथ मौत के सीमांतों को बार बार छूकर लौटते हुए बांग्लादेश की आजादी के हिंदी के पहले और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार बने। युद्ध यात्रा की रपटें उन्हें उन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पत्रकारों की कतार में खड़ा करती हैं जिन्होंने विश्व के अन्य देशों में क्रांतियों, युद्धों, आपदाओं और सत्ता परिवर्तनों को खुद घटनाओं के बीच से देखा। और इसी आस्था ने 1975 की आपातकाल की घोषणा के दौरान उनकी मुनादी जैसी कविता को जन्म दिया जिसको अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता मिली, जिसकी पंक्तियां सामूहिक कंठों से निकलती समवेत नारों में तब्दील हो गईं। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने तमाम पूर्व परिभाषित माध्यमों और विधाओं के विभाजनों को लांघकर हिंदी में अपनी एक निजंधरी छवि बनाई, एक ऐसी छवि जिसको गढ़ने में किसी अन्य की नहीं सिर्फ उनकी रचनाओं और उनके अपने जीवन की छेनी और हथौड़ी की ही भूमिका थी।